हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेता रसोई घर। तो आज लेके आई हूँ मीठे की रेसिपी, वो भी बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ मीठे में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो हलवा की रेसिपी। तो यहाँ पे हलवा तो बहुत तरीके से बनाई जाती है, बट मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो हलवा की रेसिपी क्योंकि अभी चल रहा है मैंगो का सीजन और मैंगो का कोई भी चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं मैंगो हलवा बना रही हूँ, आप लोग वीडियो को फुल लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हलवा बनाने के लिए, एक बाउल में ले लिया है मैंने सूजी और मैंगो प्यूरी एंड ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे मैंने एक ही मैंगो लिया था, उसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है और ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है बादाम एंड किशमिश लिया है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने पे इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है और हलवा के अकॉर्डिंग घी ऐड करें। तो कोई भी हलवा आप बना रहे हो ना, घी में बनाएंगे तो हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है, घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ देसी घी एकदम यूज किया है। तो घी गर्म हो चुका है तो इसमें मैं रख दूंगी अब ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट जो हलवा में ऐड करें ना, तो आप अपने मन पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू, किशमिश, पिस्ता बादाम, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी मन पसंद के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पिस्ता बादाम एंड किशमिश यूज किया है। तो इन दोनों को मैंने पहले बारीक से कट कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो गोल्डन होने तक अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर बाद जो है ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इसे निकाल लूँगी एक बाउल में। तो हलवा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। उसी बचे हुए घी में मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। तो आप अपने अकॉर्डिंग सूजी ले सकते हैं और सूजी के अकॉर्डिंग आप आम लें। तो यहाँ पे मैंने आधा बाउल जो है वो सूजी लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक आम का प्यूरी रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे मैं सूजी को भूनूंगी और लगातार इसे हाई फ्लेम पे भूनते रहना है और भूनते ही रहना है, क्योंकि सूजी जो है ना वो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। इसलिए मैं इसे लगातार चलाते रहूँगी और सूजी को ब्राउन होने तक इसे अच्छे से भूनना है। तो मैंगो का भी सीजन चल रहा है और मैंगो की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो सीजन ख़त्म होने से पहले आप लोग मैंगो की रेसिपी बहुत ही अच्छे से बनाएं, खाएं। तो यहाँ पे मैंने सूजी को लगातार चलाते चलाते एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने भून लिया है। तो सूजी एकदम परफेक्टली जो है वो भुना गया है। तो अब इसमें क्या करूँगी, मैंगो प्यूरी जो है वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं चम्मच से मैंगो प्यूरी ऐड कर रही हूँ, हल्का हल्का पहले दे के अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा ही मैंगो प्यूरी ऐड किया, उसके बाद इसे सूजी में मिक्स करूँगी और इस समय गैस की फ्लेम को कर दे मीडियम और इसे मैं मिक्स करूँगी। सूजी और मैंगो प्यूरी को अच्छे से मिक्स करना है। जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दे के मैंगो प्यूरी अच्छे से सूजी में मिक्स कर रही हूँ। तो फिर से मैं इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करूँगी, उसके बाद फिर से इसे मिक्स करना है। तो सूजी के अकॉर्डिंग मैंने मैंगो लिया था, तो सारा मैंगो प्यूरी जो है वो मैंने सूजी में ऐड कर दिया है और इसे करना है मिक्स और बस 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स करके भून लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून रही हूँ। एंड गाइस, जो भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एंड जो नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। और कैसी लगती है हमारी रेसिपी ज़रूर आप बताइए। तो यहाँ पे इसे मैंने थोड़ी देर भून लिया, यानी मैंगो और सूजी को मैंने यहाँ पे भून लिया है। तो अब इसमें ऐड कर दूँगी दूध। तो मैं यहाँ पे दूध ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट दूध से ये ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए आप दूध ही ऐड करें इसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे अच्छे से पकाना है और लगातार इसे चलाते रहना है। तो अब गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था और हाई पे इसे लगातार मैं अच्छे से भूनूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर में ये गाढ़ापन होने लगा, यानी सूजी जो है वो पकने लगा है। तो यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून रही हूँ, यानी पका रही थी। तो अब मैंने क्या किया है, गैस की फ्लेम को कर दिया है लो पर और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो चीनी जो है वो हलवा एंड मीठा के अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि इसमें मैंने मैंगो भी ऐड किया है तो उस अकॉर्डिंग आप चीनी ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने मीठा के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दिया है, फिर इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। चीनी ऐड करने के बाद मैं लगातार इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अंदर से जले ना। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी घी। तो घी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और हलवे में घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही घी ऐड किया है, इसे बहुत ही परफेक्टली जो है ना वो भुनाता है सूजी। तो थोड़ा थोड़ा करके आप घी ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने घी भी ऐड कर दिया एंड इसी के साथ मैंने फ्राई किए हुए जो ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे करूँगी अच्छे से मिक्स और इसे ड्राई होने तक अच्छे से भूनना है और इसे लगातार मैं चलाते रहूँगी ताकि हलवा जले ना।
तो जब भी आप हलवा बना रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करें, उसके बाद इसे मिक्स करते रहें। हलवा का टेस्ट इससे बहुत ही बढ़िया आते रहता है। तो जैसा मैंने बनाया है, सेम प्रोसेस के साथ आप ये मैंगो का हलवा की रेसिपी बनाएं तो बहुत ही परफेक्टली बनेगा एंड इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने जो घर में बनाया ना मैंगो हलवा, तो मेरे घर में सभी को इतना ज़्यादा पसंद आया कि ये बार बार डिमांड होता है कि नहीं, ये ही बनना चाहिए, ये ही हलवा बनेगा। तो हलवा तो बहुत तरीके से बनाई जाती है, तो क्यों नहीं सीजनिंग के अनुसार यानी सीजन के अनुसार आप मैंगो हलवा बनाएं एंड घर वालों को कर दे एकदम खुश, एंड बच्चों के लिए भी एकदम परफेक्टली ये रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड ये प्रोटीन से भरा हुआ हलवा है, तो यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड किया था, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा एंड फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। एंड लास्ट में भी मैंने थोड़ा सा फिर से घी इसमें ऐड कर दिया है, जैसा कि मैंने बोला है कि घी ऐड करने से हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसे मैं मिक्स करूँगी और ड्राई होने तक मैंने इसे भून लिया है। जिस तरह से मैंने ये मैंगो हलवा बनाया है, सेम प्रोसेस के साथ आप भी बनाएं तो हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम दानेदार बनेगा। सूजी का हलवा तो बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं और खाए भी है, एक बार ज़रूर बनाएं मैंगो हलवा की रेसिपी, घर में सभी तारीफ करते नहीं थकेंगे एंड आपको बार बार ये हलवा बनाने के लिए कहेंगे। तो ये है सीजन वाला हलवा, तो एकदम हलवा एकदम हो गया है परफेक्ट। मैंने गैस को बंद कर दिया है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये हलवा एकदम परफेक्टली ड्राई होने लगा है, एकदम दानेदार हलवा हुआ है। तो इसे मैं क्या करूँगी, आप सर्व करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल, बाउल में मैं सर्व कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनता है, आप लोग ज़रूर बनाएं एंड कैसी लगी है ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे मैंने बाउल में हलवा निकाल लिया है, इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी मैंगो से, क्योंकि ये है मैंगो हलवा और ये मैंगो के बिना अधूरा है। तो हलवा एकदम परफेक्ट रेडी है। तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइए। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।